दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में स्थित सभी केंद्रीय विद्यालयों में ऑब्जर्व की जाने वाली विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के बारे में, जैसे कि ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन अवकाश कब कब रहेगा देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में, इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इसे अपडेट के बारे में जान सकें। तो वर्ष 2024-25 के दौरान मिलने वाली इन प्रकार की छुट्टियों को लेकर 24 जनवरी 2024 को KVS मुख्यालय के द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, उसी के आधार पर ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि गर्मी वाले स्थान, जिसमें कि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर, तिनसुकिया व वाराणसी आते हैं, तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है 12 मई 2024 संडे से लेकर 20 जून 2024 तक 40 दिन का यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। उसके बाद में शरदकालीन अवकाश जो कि शुरू होगा यहाँ पर 8 अक्टूबर 2024 ट्यूजडे से, और ये रहेगा यहाँ पर 17 अक्टूबर 2024 थर्सडे तक 10 दिन का। उसके बाद में शीतकालीन अवकाश जो कि शुरू होगा 24 12 2024 से, और ये ख़त्म यहाँ पर होगा 12 जनवरी 2025 20 दिन का। तो इस तरीके से गर्मी वाले स्थान पर वर्ष 2024-25 के दौरान 70 दिन का अवकाश बच्चों को दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालयों में। उसके बाद में क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ पर आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर एवं भोपाल, यहाँ पर समर वैकेशन रहेगा 2 मई 2024 से 20 जून 2024 तक 50 दिन का। उसके बाद में शरदकालीन अवकाश यहाँ पर शुरू होगा 8 अक्टूबर 2024 से, और ये चलेगा 17 अक्टूबर 2024 तक 10 दिन का। उसके बाद में विंटर ब्रेक यहाँ पर रहेगा 24 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक 10 दिन तक का यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में तीसरी जगह यहाँ पर आती है एर्नाकुलम संभाग के समस्त केंद्रीय विद्यालय, और उनमें ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होगा यहाँ पर 8 अप्रैल 2024 से लेकर 27 मई 2024 50 दिन का। उसके बाद में शरदकालीन अवकाश शुरू होगा यहाँ पर 8 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 10 दिन का, और शीतकालीन अवकाश यहाँ पर शुरू होगा 24 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 10 दिन का। तो यहाँ पर भी 70 दिन का अवकाश सभी केंद्रीय विद्यालयों में दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है सर्दी वाले स्थान, जहाँ पर कि जो स्कूल्स हैं उनको जो है तो वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है 15 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 10 दिन का। शरदकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 10 दिन का, और यहाँ पर जो शीतकालीन अवकाश है विंटर वैकेशन वो रहेगा 50 दिन का, जो कि शुरू होने जा रहा है 4 दिसंबर 2024 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक का। तो जो सर्दी वाले स्थान है वहाँ पर शीतकालीन अवकाश ज़्यादा दिया जाएगा, जो कि हमेशा दिया जाता रहा है। उसके बाद में देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर भी 70 दिन की छुट्टियाँ दी जाएंगी। तो उसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है 15 मई 2024 से 2 जून 2024 तक 20 दिन का। शरदकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक 10 दिन का, और यहाँ पर भी जो शीतकालीन अवकाश है वो शुरू होगा 14 दिसंबर 2024 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक 40 दिन का। तो यहाँ पर भी 70 दिन की छुट्टियाँ दी जाएंगी। तो इस उसके बाद में अगली कैटेगरी यहाँ पर आती है कि जो अधिक सर्दी वाले स्थान है यहाँ पर लेह, कारगिल व नुब्रा जो कि लद्दाख में है, तो इनमें केंद्रीय विद्यालयों में सिर्फ दो ही प्रकार की छुट्टियाँ दी जाएंगी, समर ब्रेक और विंटर वैकेशन। तो समर ब्रेक यहाँ पर शुरू होने जा रहा है 15 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक 20 दिन का रहेगा। उसके बाद में विंटर वैकेशन यहाँ पर रहेगा 50 दिन का, जो कि शुरू होने जा रहा है 21 दिसंबर 2024 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक। उसके बाद में अधिक सर्दी वाले स्थान में ही केंद्रीय विद्यालय तवांग है,
वहाँ पर भी समर वैकेशन और विंटर वैकेशन दिया जाएगा। समर वैकेशन शुरू होने जा रहा है यहाँ पर 13 मई 2024 से लेकर 11 जून 2024 तक। विंटर वैकेशन यहाँ पर शुरू होगा 16 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 40 दिन का। फिर आता है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय डलहौजी, वहाँ पर भी समर ब्रेक और जो ऑटोमन ब्रेक है वो दिया जाएगा। विंटर वैकेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा जो कि यहाँ पर भी 50 दिन का रहेगा विंटर वैकेशन, 10 दिन का रहेगा समर वैकेशन और 10 दिन का रहेगा यहाँ पर ऑटोमन ब्रेक। तो इस तरीके से 17 दिन की छुट्टियाँ भी यहाँ पर दी जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो केंद्रीय विद्यालय काठमांडू, वहाँ पर भी 70 दिन की छुट्टियाँ दी जाएंगी जो कि रहेंगी यहाँ पर अलग अलग टाइम पर। तो इस तरीके से देश भर में स्थित सभी केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2024-25 के दौरान इसी प्रकार से छुट्टियाँ यहाँ पर रहेंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनके कि बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं वो अपना छुट्टियों का प्लान कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।